हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यूज करके हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को सेट एंड गेट एट्रीब्यूट का यूज करना है और अपनी इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन पेज की इन्फॉर्मेशन को सेट करेंगे। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट पेज पे इस पर्टिकुलर पेज की इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, गेट करना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सेट और गेट मेथड का बेसिकली यूज करना है, सेट एंड गेट एट्रीब्यूट का, और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सेट एंड गेट करना है। कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आपको रजिस्ट्रेशन पेज दिखना है, इस पर्टिकुलर यहाँ पे पेज पे अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अगर यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, पहले एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यूज करके हमें इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सेट करना है। देन इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है, होल सर्वलेट पेज में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। ठीक है, कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेना है, और यहाँ पे हमने जैसा कि पहले से एक रजिस्ट्रेशन पेज हमने यहाँ पहले से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे एक पेज डिजाइन करना है। जैसा कि हमने ये पेज डिजाइन किया है, इस पर्टिकुलर पेज को हमने यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म किया है, रजिस्टर। यहाँ पे जो आपने रजिस्टर यूज किया है, ये आपका सर्वलेट पेज है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एचटीएमएल पेज डिजाइन किया है, इस एचटीएमएल पेज की जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप सबमिट करते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन पेज पे पोस्ट मेथड पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड होगी। वहां पे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमको गेट करना है। देन उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को सेट सबलेट कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यूज करके उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे हमें क्या करना है, वहां पे गेट मतलब सेट करना है। देन हम नेक्स्ट पेज पे हमें इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। इसके लिए हम यहाँ पे आपसे प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन किया हुआ है। इस पर्टिकुलर फॉर्म को मैं जब आप यहाँ पे सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर नाम का एक पेज डिफाइन होगा, वहाँ पे पोस्ट मेथड आपको डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर पेज डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल 6 टाइप का प्रोजेक्ट लिया है, तो यहाँ पे राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे आपको एक सर्वलेट पेज डिफाइन करना होगा। हमने यहाँ पे सर्वलेट पेज सेलेक्ट किया और यहाँ पे पेज यहाँ पे आप हमने यहाँ पे रजिस्टर क्लास का नाम लिया है, तो क्लास का नाम यहाँ पे रजिस्टर डिफाइन किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने डू गेट डू पोस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई किया। इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक पेज डिफाइन होगा जिसका नाम है रजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए एरर शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्वलेट एपीआई ऐड करना है। तो राइट क्लिक, यहाँ पे बिल्ड पाथ, कॉन्फिगर बिल्ड पाथ पे आना है, और यहाँ पे लाइब्रेरीज ऑप्शन पे दिखेगा, यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे सर्वलेट एपीआई को आपको ऐड कर लेना है। सर्वलेट एपीआई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्वलेट एपीआई डॉट जार फाइल को आपको ऐड करना है। जैसे आप ऐड करेंगे, देन ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट पे आना है, सेलेक्ट ऑल, और यहाँ पे अप्लाई एंड अप्लाई एंड क्लोज, आपकी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे देखना है, जो आपने रजिस्टर पेज यहाँ पे डिफाइन किया है, तो आपने जब रजिस्ट्रेशन पेज डिफाइन किया था, तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा था, पोस्ट मेथड। अब आपको पोस्ट मेथड पे आके इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको क्या करना है, गेट करना है। इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपको क्या गेट करना होगा, यहाँ पे नेम की इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉपी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, रजिस्टर डॉट जावा पेज पे आना है, और यहाँ पे देखिए डू पोस्ट मेथड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप। अब आपके यहाँ पे डिफाइन करना है टेक्स्ट या फिर HTML। हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये लाइन डिफाइन किया। आफ्टर दैट आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू यहाँ पे रिस्पॉन्स, यहाँ पे क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, यहाँ पे क्या लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। इस तरीके से हमने क्या किया, प्रिंट राइटर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। आपको जैसे ये काम पर्टिकुलर काम आपका डिफाइन किया यहाँ पे, आपको ये पर्टिकुलर पैकेज डिफाइन करना होगा, तो हमने यहाँ पे आईओ पैकेज डिफाइन कर दिया, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे
यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की जो भी आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आपको गेट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नेम फील्ड की इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। यूजर का जो नेम आपने डिफाइन किया है, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्टर पेज में आना है। यहाँ पे लिखना है स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग मान लीजिए, यहाँ पे हमने नेम लिखा, नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर का आपको यहाँ पे नेम डिफाइन करना होगा। तो हमने यहाँ पे यूजर नेम, आपने वहां पे फील्ड डिफाइन किया था, तो हमने यहाँ पे यूजर नेम की इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया। सेम इसी तरीके से हमने लिखा स्ट्रिंग एफ नेम, यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एफ नेम की इंफॉर्मेशन चाहिए, फादर्स नेम की। तो हमने यहाँ पे फादर नेम के लिए एफ नेम हमने यहाँ पे लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफ नेम आपने यूज किया है, तो हमने यहाँ पे एफ नेम में यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, स्ट्रिंग एफ नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आपको एफ नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। इस तरीके से हमने एफ नेम की इंफॉर्मेशन को गेट किया। सेम इसी तरीके से स्ट्रिंग यहाँ पे डीओबी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डिफाइन करना है, एक मिनट, डीओपी। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या यूज किया हुआ है, हमने सबसे पहले यहाँ पे डेट, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट एट्रीब्यूट को यहाँ पे गेट करना है इन्फॉर्मेशन। पहले आपको डेट लेना है, देन आपको यहाँ पे मंथ, देन आपको ईयर यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को, तीनों इन्फॉर्मेशन को गेट करना होगा। तो हमने सबसे पहले डेट को यहाँ पे गेट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे कंट्रोल वी रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे गेट पैरामीटर में सबसे पहले हमने डेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे देखिए आपने क्या डिफाइन किया है, डेट, यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिए आपने डेट यूज किया है, तो हमने डेट वहां पे डिफाइन किया। अब हमको क्या चाहिए, मंथ, सेकेंड इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, मंथ। हमने यहाँ पे प्लस कीवर्ड यूज किया, और प्लस के बाद हमने यहाँ पे स्लैश अप्लाई किया। अब देन हमको यहाँ पे प्लस कीवर्ड करके हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे हमको मंथ को इन्फॉर्मेशन को गेट करना है, तो डबल कोट्स में यहाँ पे हम यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, मंथ। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे मंथ यूज किया हुआ है, यहाँ पे देखिए मंथ। नेक्स्ट हमको क्या चाहिए, यहाँ पे ईयर, हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईयर। तो देन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, रजिस्टर पेज पे आएंगे और यहाँ पे प्लस कीवर्ड यूज करेंगे, प्लस, फिर यहाँ पे स्पेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हमको ईयर की इन्फॉर्मेशन को गेट कर लेंगे। तो हमने इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, डेट ऑफ बर्थ में आपका डेट, मंथ एंड ईयर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट हो गई। देन अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जेंडर की, अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, जेंडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया, स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग जेंडर इज इक्वल, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे देखिए आपने जेंडर में क्या एट्रीब्यूट यूज किया है, यहाँ पे देखिए नेम जेंडर, यहाँ पे नेम क्या यूज किया है, जेंडर। तो आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना होगा, जेंडर, क्या डिफाइन करना होगा, जेंडर, ठीक है। किस तरीके से हमने यहाँ पे जेंडर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गेट किया। अब देन आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन नंबर, तो फोन नंबर के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, फोन नंबर में आपने यहाँ पे क्या यूज किया है, यहाँ पे एक मिनट, फोन नंबर में आपने फोन यूज किया है एट्रीब्यूट का नेम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फोन की इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे फोन नंबर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे फोन, यहाँ पे आपने फोन, इस तरीके से हमने क्या किया, फोन की इंफॉर्मेशन को गेट किया। देन नेक्स्ट हमें क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस करना है, ईमेल और देन पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, ईमेल,
अगर हमने ईमेल यूज किया है तो यहाँ पे देखिए हमने क्या यूज किया है, यूजर ईमेल और यहाँ पे यूजर पास। इस तरीके से हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन को गेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे ईमेल इज एक मिनट ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे हमने यूज किया है यूजर ईमेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे यूजर ईमेल की इंफॉर्मेशन को भी गेट कर लिया। इस तरीके से वन बाय वन हम यहाँ वाले इंफॉर्मेशन को पहले गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे हमने यूजर पास, इस तरीके से हमने ऑल एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को गेट कर लिया। यहाँ पे देखिए यूजर पास यूजर ईमेल, इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, इस पर्टिकुलर पेज की जो भी इंफॉर्मेशन है, जब आप इस पर्टिकुलर पेज को सबमिट करेंगे तो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने इस पर्टिकुलर पेज में हमने क्या किया, गेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का बेसिकली यूज करना है और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले ट्राई मेथड यूज कर ले रहे हैं, यहाँ पे ट्राई देन कैच यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ट्राई एंड कैच लॉक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज किया। अब हमें क्या करना है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हमने सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका पैकेज इंपोर्ट करना है। यहाँ पे इंपोर्ट के हमने क्या किया, यहाँ पे java.x.servlet पैकेज को हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट एट्रीब्यूट का यूज करना है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेट करनी है। तो सबसे पहले हमने लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, हमने यहाँ पे क्या किया सेट एट्रीब्यूट यूज करना है। तो हमने सेट एट्रीब्यूट में सबसे पहले हमने यहाँ पे डिफाइन किया नेम, हमने एट्रीब्यूट का नेम क्या डिफाइन किया नेम, और यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन क्या सेंड कर दिया नेम। आपने यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पैरामीटर में गेट करेंगे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर लेना है सेट एट्रीब्यूट का यूज करके। सबसे पहले हमने नेम यूज किया, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे एफ नेम यूज किया। तो यहाँ पे एफ नेम की इंफॉर्मेशन को एफ नेम यहाँ पे देखिए इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर किया। देन हमने यहाँ पे सेट कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का जो सेट एट्रीब्यूट का जो नेम हम डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डी ओ बी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ में डी ओ बी जो आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिया था हमने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को सेट कर दिया। ऐसे वन बाय वन हम ऑल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेट कर रहे हैं। इस तरीके से जेंडर, यहाँ पे हमने जेंडर, यहाँ पे जेंडर ऐसे, नेक्स्ट हमने यहाँ पे जेंडर के बाद नेक्स्ट हमें क्या है फोन नंबर जेंडर, आफ्टर दैट हमको क्या चाहिए फोन चाहिए फोन नंबर, तो हमने यहाँ पे फोन नंबर में हमने क्या किया यहाँ पे फोन नंबर की इंफॉर्मेशन को सेट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए ईमेल, तो हमने यहाँ पे ईमेल, तो यहाँ पे हमने क्या किया ईमेल। इस तरीके से वन बाय वन हम होल इंफॉर्मेशन को सेट एट्रीब्यूट के थ्रू सेट कर, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड हमने पास टाइप के एट्रीब्यूट में स्टोर किया। यहाँ पे हमने ऑल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट के थ्रू हमने सेट कर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट सर्वलेट पेज यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट सर्वलेट पेज में या
एक्स वाई जेड आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पे यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को आप गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये होल सर्वलेट पेज के लिए इस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं फर्स्ट पेज, ठीक है। यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज यहाँ पे मैसेज पास किया। आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट सर्वलेट पेज के लिए, जहां पे हमें ये क्या करना है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, जो भी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, गेट करना है। हम यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे एच आर ई एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या करना है एच आर ई एफ में एक पर्टिकुलर लिंक को यहाँ पे सेंड करना है। तो हम यहाँ पे सेकेंड पेज ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया रजिस्टर वन, हमें क्या करना है रजिस्टर वन पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करना है सेंड करना है। तो हमने क्या पेज का नाम लिया रजिस्टर वन, और यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ एक मैसेज दे दिया रजिस्टर, इस टाइप से हमने यहाँ पे एक मैसेज पास करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आपके जो भी इंफॉर्मेशन है रजिस्ट्रेशन पेज की इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे गेट पैरामीटर का यूज करके इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हमने स्टोर कर, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन यहाँ पे हमने सेट एट्रीब्यूट के थ्रू यहाँ पे इंफॉर्मेशन को सेट कर लिया। अब हमने यहाँ पे एक मैसेज पास कर दिया फर्स्ट पेज, देन हमने आउट डॉट प्रिंट में एक लिंक प्रोवाइड किया, यहाँ पे हमने ए एच आर ई एफ यहाँ पे रजिस्टर वन नाम का यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया, और यहाँ पे हमने लिंक के थ्रू हमने क्या किया इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेंड करूंगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है रजिस्टर, यहाँ पे हमने एक मैसेज दिया और यहाँ पे इस तरीके से पेज को हमने यहाँ पे किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे आउट डॉट क्लोज मेथड को अप्लाई किया, हमने यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे एक पेज यहाँ पे डिफाइन किया। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट सर्वलेट, यहाँ पे आपको क्या करना है रजिस्टर वन नाम का एक पेज आपको सर्वलेट पेज यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे रजिस्टर वन टाइप का एक पेज यहाँ पे सर्वलेट पेज डिफाइन करेंगे, राइट क्लिक न्यू, यहाँ पे सर्वलेट, अब यहाँ पे सर्वलेट पे आपको क्या करना है यहाँ पे रजिस्टर वन, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया एक रजिस्टर वन टाइप का एक हमने यहाँ पे एक पेज डिफाइन कर लिया। अब यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे पेज में अब आपको क्या करना है यहाँ पे अब आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है यहाँ पे ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके बेसिकली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को गेट करना है। तो गेट करने के लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन कॉपी कर ले रहे हैं, हमने यहाँ पे ट्राई, देन आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी कैच ब्लॉक की, तो हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस पर्टिकुलर पेज में हमने यहाँ पे स्टोर कर ले रहा, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा सबसे पहले आपको यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहां पे आपको क्या लिखना है गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, यहां पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जैसे आपने उस पर्टिकुलर पेज में किया था, यहां पे हमने यहां पे इंफॉर्मेशन यहां पे गेट कर लिया। अब आपको क्या करना है वन बाय वन इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है गेट करना है। तो सबसे पहले हमने यहां पे स्ट्रिंग हमने नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन को गेटना है तो सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट डॉट यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन करना है। अब आपको एट्रीब्यूट का नेम कहाँ देखना है, यहाँ जैसे आपने सेट एट्रीब्यूट किया था, तो हमने यहाँ पे नेम टाइप के एट्रीब्यूट में वैल्यू सेट किया था। तब आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जब गेट करेंगे तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो यहाँ पे हमने नेम यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब यहाँ पे एरर शो हो रही है, तो आप इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको स्ट्रिंग में स्टोर करना है, तो आपको यहाँ पे कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग प्रोवाइड किया, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग यहाँ पे यफ नेम, यफ नेम की इन्फॉर्मेशन को अगर आपको गेट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर लाइन को फिर से कॉपी कर ले रहे हैं। हमें इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, गेट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने एट्रीब्यूट का नेम क्या प्रोवाइड किया है, एफ नेम, एफ कैपिटल नेम कैपिटल, यहाँ पे एफ नेम, तो यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया, एफ नेम। तो ऐसे हमें वन बाय वन ऑल इन्फॉर्मेशन जो हमें क्या करना है, गेट करना है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग, नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डी ओ बी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ। तो हमने स्ट्रिंग डी ओ बी इज इक्वल, यहाँ पे हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट का नेम क्या लिया है, डी ओ बी। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट का नेम हमने क्या लिया था, डी ओ बी। अब हमें जेंडर स्टोर करना है, तो हमें यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या सेट किया, स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना है जेंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें जेंडर, यहाँ पे जेंडर की इन्फॉर्मेशन को हमने गेट किया। ऐसे वन बाय वन होल इन्फॉर्मेशन को हमको गेट करना है। जेंडर के बाद हमें फोन नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो फोन नंबर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग फोन इक्वल, यहाँ पे फोन नंबर फोन नंबर की इंफॉर्मेशन को हमने गेट किया। यहाँ पे देखिए फोन नंबर। अब हमको ईमेल चाहिए, तो ईमेल की इंफॉर्मेशन को गेट करना है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा स्ट्रिंग ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पे ईमेल की इंफॉर्मेशन को हमने गेट किया। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ईमेल के बाद हमें क्या चाहिए, पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है, तो पास, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास, इस तरीके से हमने यहाँ पे पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को गेट कर। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट किया था, सेम यहाँ पे हमने सभी इंफॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में यहाँ पे गेट कर लिया। अब इस पर्टिकुलर पेज को हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पे आउट डॉट प्रिंट यहाँ पे एक मेथड यूज किया। अब यहाँ पे इस ऑल इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना है, गेट करना है। तो हमें सबसे पहले नेम चाहिए, नेम। अब हमें नेम की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे नेम जो आपने पर डिफाइन किया है, नेम प्लस यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ऐसे हमें वन बाय वन होल इंफॉर्मेशन को अब क्या करना है, प्रिंट करना है। तो नेम के बाद आपको क्या चाहिए, फादर नेम, तो यहाँ पे एफ नेम की इंफॉर्मेशन को हमने प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, तो हमने यहाँ पे डी ओ बी लिखी। ऐसे वन बाय वन आपको इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने डी ओ बी यूज किया हुआ है, सॉरी, तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ बर्थ की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे गेट किया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जेंडर, हमने यहाँ पे जेंडर है। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जेंडर के बाद हमें यहाँ पे फोन नंबर, फोन नंबर, फोन नंबर की इंफॉर्मेशन के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, फोन। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है, फोन नंबर के बाद में ईमेल की रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ पे ईमेल, मैं से होल इंफॉर्मेशन को यहाँ पे गेट कर रहे हैं आपके सामने।
तो यहाँ पे देखिए हमने ईमेल की इंफॉर्मेशन को गेट किया, देन हमें पासवर्ड को भी प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड ओके। इस तरीके से हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रजिस्ट्रेशन रजिस्टर पेज डिफाइन किया। यहाँ पे हमने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन पेज यहाँ पे, जैसे ये पेज हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर आपने यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक्स वाई जेड अगर आप अप्लाई करते हैं, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे सेंड होगा, ये रजिस्ट्रेशन पेज में। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने डू पोस्ट मेथड अप्लाई किया है। यहाँ पे हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट एचटीएमएल लिया हुआ है, देन हमने प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है प्रिंटिंग मैसेज के लिए। देन हमने यहाँ पे पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो भी आपने वहाँ पे पेज में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने सेट किया था, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू इन्फॉर्मेशन को गेट किया। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और देन यहाँ पे इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमने सेट कर लिया। जैसे हमारी इन्फॉर्मेशन सेट हुई, हमने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया, इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू हमने रजिस्टर वन पेज पे हम यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, सेंड होंगे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में हमें सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पे बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को हमने गेट कर लिया। जैसे हम इन्फॉर्मेशन को गेट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गेट करने के बाद हमने इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर लिया। इस तरीके से आप वन पेज टू अनदर पेज होल सर्वलेट में कहीं पे भी इन्फॉर्मेशन को सेट अगर कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को किसी भी सर्वलेट पेज पे आप इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं आसानी से, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ। अब इस पर्टिकुलर पेज को हम रन करते हैं, रन एज, रन ऑन सर्वर, नेक्स्ट, यहाँ पे फिनिश, यहाँ पे रीस्टार्ट। इस तरीके से हमने क्या किया, इस पेज को हमने यहाँ पे सबमिट किया। यहाँ पे देखिए जैसे आप ये पेज सबमिट करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास एक इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा, तो हमने यहाँ पे नेम प्रोवाइड किया, मान लीजिए नेम हमने एक्स वाई जेड एक नेम प्रोवाइड किया, फादर नेम यहाँ पे डब्लू, एक्स वाई जेड हमने एक नेम प्रोवाइड किया। यहाँ पे ऐसे हमने एक डेट सेट कर लिया, ठीक है, इसी तरीके से हमने डेट ऑफ बर्थ सेट कर ली एक्स वाई जेड। हमने यहाँ पे मेल, फोन नंबर 8888, इस तरीके से हमने एक नंबर यहाँ पे सेट किया। ईमेल हमने xyz@gmail.com, इस तरीके से हमने एक मेल किया और यहाँ पे पासवर्ड 12345। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेट कर दिया। अब इस पर्टिकुलर पेज को हमने यहाँ पे सबमिट किया। जैसे आप सबमिट करेंगे, तो आपके रजिस्टर पेज पे जाके इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपका सेट एट्रीब्यूट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये पेज आ रहा है, हमने वहाँ पे मैसेज दिया था फर्स्ट पेज और रजिस्टर से लिंक दिया था। जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए गेट एट्रीब्यूट के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आसानी से गेट हो जाएगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, वन बाय वन ऑल इन्फॉर्मेशन को सेट एट्रीब्यूट के थ्रू कैसे सेट करना था, कैसे गेट किया हमने उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को, तो आपको हमने आसानी से ये पेज को हमने समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज हमारे पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।